नमस्ते दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली आज गन्स एंड गुलाब का ट्रेलर रिलीज हो गया शाम के 6 बजे, दो मिनट 52 सेकंड का ये ट्रेलर है। और ट्रेलर कसम से मजा आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। जो उसका कलर ग्रेडिंग था पूरा 90 के दशक का फीलिंग दे रहा था, और उसके जो करेक्टर थे वो भी, जो जिस तरह कपड़ा पहने हुए थे, जिस तरह का वो हेयर स्टाइल था, वो पूरा 90 दशक का लग रहा था। बेसिकली शुरू इसमें सतीश कौशिक जी हैं। जी हाँ दोस्तों, लगता है कि ये शायद उनकी आखिरी फिल्म होगी। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें जाह्नवी कपूर भी हैं। अब इनका कैमियो होगा चाहे जो है, लेकिन इसमें जाह्नवी कपूर भी हैं। जो ट्रेलर की बात कर लेते हैं, जो ट्रेलर शुरू होता है सतीश कौशिक जी की आवाज़ से, और इसमें उनका बेटे किरदार निभा रहे हैं, क्या नाम है उनका, आदर्श सौरभ। जी हाँ, आदर्श सौरभ उनके बेटे किरदार निभा रहे हैं, जिनका नाम रहता है छोटा गंची। और इसमें जो गुलशन जी हैं, जो संजय दत्त वाला लुक लिए हुए हैं, ये इनका नाम रहता है फोर कट आत्माराम। और जो इसमें दुलकर सलमान है, जिसमें पुलिस का किरदार निभाने वाले हैं, उसमें उनका नाम रहता है फैमिली मैन अर्जुन। और जो सबसे लास्ट नॉट लीस्ट राजकुमार राव, उसमें उनका नाम रहता है पाना टीपू। उनसे पूछा जाता है कि आपने कैसे मारा, तो बस ऐसे ही पाना से, इतना आराम से, कितना हल्के में बोलते हैं। और लास्ट का सीन जो था, जो गोली मारते हैं और राजकुमार राव और उनके एक साथ में और रहता है कि नहीं मेरी गोली नहीं, मैंने मारा, मैं मेरी गोली है। कॉमेडी बहुत ही अच्छा था। और राज और डीके इस मूवी को लिखे हैं और डायरेक्ट किए हैं, तो राज एंड डीके की जोड़ी बहुत ही जबरदस्त, हम पहले भी देख चुके हैं। तो मुझे पता है कि इस मूवी से फुल मजा आने वाला है। ये मूवी 18 अगस्त को आने वाला है, कसम से बता रहा, बहुत मजा आने वाला, बहुत ही मजा। उसमें से मैं दूसरी मूवी का नाम नहीं लेना चाहता इसमें, लेकिन ठीक है, कॉमेडी रोमांस और क्राइम से भरपूर ये मूवी होने वाली है, और बहुत ही मजा आने वाला है यार। इसमें जो सब अच्छा, इसमें 90s के गाने भी हैं, जिसमें उषा जी का भी आवाज आ रही थी, रंबा हो। इसमें गाने मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है, पूरा 80-90 के दशक वाला फीलिंग हम लोग को देने वाला है। राज डीके ने बहुत ही अच्छा ही, बहुत ही शानदार इसका ट्रेलर बनाया। ट्रेलर जिसने भी एडिट किया है इसने यार, उसको हैट्स ऑफ यार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार उसने एडिट किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है, और इस मूवी को 18 अगस्त को मैं जरूर देखूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मुझे बहुत इस तरह की मूवी पसंद है। बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।